हेलो एवरीवन, आई एम राखी सक्सेना। मैं आपको महक एनटीटी चैनल की तरफ एनटीटी में यूज होने वाला प्रैक्टिकल वर्क बताऊंगी। तो हम प्रैक्टिकल वर्क में बहुत सारे प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, जैसे फाइल बनाना, चार्ट बनाना, तो हम वो सारे काम यहाँ पर करेंगे। तो आज मैं आपको चार्ट वर्क स्टार्ट कराऊंगी। तो पहला हमारा चार्ट होगा राष्ट्रीय ध्वज का। तो राष्ट्रीय ध्वज में हमें राष्ट्रीय ध्वज बनाना है और साथ में राष्ट्रगान भी लिखना है। सबसे पहले हम राष्ट्रीय ध्वज बनाएंगे। तो राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ करके ये तीन ब्लॉक बनाए हैं, नीचे डोरी करके ये तीन बॉर्डर्स बना दिए हैं। चक्र होता है वो नीले रंग का होता है, जिसमें 24 पीलियां होती है। तो और ये राष्ट्रीय ध्वज है जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा प्रागण उत्कल बंग हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल वितरण तब शुभ नाभे त्यागे तब शुभ आशीष मांगे गाये तब जय गाथा जनगण मन मन बल का जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे। तो ये जो राष्ट्रगान है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था। और राष्ट्रीय ध्वज हमारे यहाँ राष्ट्रीय पर्वों पर फहराया जाता है, जैसे 26 जनवरी पर और 15 अगस्त पर। जब राष्ट्रध्वज फहराया जाता है तो राष्ट्रगान भी गाया जाता है। तो राष्ट्रगान गाने का जो कुल टोटल समय होता है वो 52 सेकंड का होता है। हमें बिल्कुल स्टेट अवस्था में खड़े होकर के 52 सेकंड के अंदर राष्ट्रगान समाप्त करना पड़ता है। बाकी आपको अगर कोई भी, अगर हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चार्ट का कार्य करेंगे, कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।